छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिले रायगढ़ में हादसों का क्रम जारी है। यहां बीते एक महीने के अंदर यह तीसरी ऐसी दुर्घटना है जहां सुरक्षा को लेकर उद्योग प्रबंधन की गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं, जिसकी वजह से इन तीनों हादसों में एक एक ठेका मजदूर की दर्दनाक मौत हुई। आपको बता दें कि माँ चंद्रहासिनी इस्पात गैरवानी में एक 31 वर्षीय युवा ठेका मजदूर की जान चली गई है। यहां भी हादसे के बाद मजदूरों की सुरक्षा को लेकर उद्योग प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई। आरोप है कि प्रबंधन अपने प्लांट में कार्यरत मजदूरों को कोई सुरक्षा किट नहीं देता है, ना ही यहां कोई आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मृतक के शरीर पर भारी लोहा गिर जाने से मौत हुई है। घटनास्थल पर सहायता न मिलने पर घायल अवस्था में 15 से 20 मिनट तक तड़पता रहा, फिर अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर उद्योग में ठेका मजदूरी पर काम करने वाली मृतक की 24 वर्षीय पत्नी पिंकी चौहान और मृतक के बड़े भाई ने घटना के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रबंधन वहां काम करने वाले किसी भी मजदूर को आवश्यक सेफ्टी किट, जैकेट, हेलमेट और जूते नहीं देता है। हादसे के एक सवा घंटे बाद मृतक के शव के साथ उन्हें भूखे प्यासे छोड़कर उद्योग प्रबंधन के लिए लोग निकल गए, जिसके बाद शाम 6 बजे प्रशासन की पहल पर मृतक का पोस्टमार्टम हो पाया। वहीं हादसे को लेकर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने जानकारी दी कि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने माँ चंद्रहासिनी इस्पात गैरवानी सराई पाली प्रबंधन के विरुद्ध श्रमिक सुरक्षा लापरवाही स्वीकारते हुए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट को लेकर राहुल पटेल ने बताया कि मृतक मजदूर का नाम सेतराम चौहान, उम्र 31 वर्ष, निवासी बोरीदा सारंगढ़ का रहने वाला था। रायगढ़ सारंगढ़ से श्याम कुमार पटेल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।